हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम घूमने जा रहे हैं जुबली पार्क जा रहे हैं, तो आप लोगों से वहीं पर मिलते हैं फिर। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम सब घूमने जा रहे हैं जुबली पार्क, तो वहाँ पे आप सबसे मिलते हैं। तो अब हम सब ऑटो में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं जुबली पार्क, तो आपसे फिर मिलते हैं वहीं पर। जुबली पार्क हम लोग सब देखिए, ये हमारा भांजा, ये बड़े वाला है और ये दोनों छोटे वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, तो आप सबसे मिलते हैं जुबली पार्क में। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी आ चुके हैं जुबली पार्क में। तो हमारा भी प्लान है कि चिड़ियाघर जाने का अभी, तो वहाँ पे ढेर सारे तो हाँ अभी हम मिलेंगे कुछ वहाँ पर ढेर सारे एनिमल से, आपको भी मिलवाएंगे। तो चलिए टिकट खरीदते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम कितने प्यारे लोकेशन में आप ये देख सकते हैं, कितना सुंदर ये डैम है। पर यहाँ पर थोड़ा कचरा है, कितना अच्छा लेक है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल सीन साफ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है गाइस। तो आप एक बार जरूर आके यहाँ पर मीट करें। हेलो गाइस, ये बहुत ही प्यारा लोकेशन आप देख ही सकते हैं, कितना अच्छा है। ये जुबली पार्क का लेक है। अभी हम चिड़ियाघर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे हम टिकट खरीदेंगे और फिर चिड़ियाघर के अंदर जाके आपको वहाँ का सीन दिखाएंगे। कौन सी सब्जी? हम चिड़ियाघर के अंदर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वहाँ पे घूमने। जितने जानवर हैं वहाँ पे हम सब देखेंगे और ये पीछे सब है। ये देखिए हमारे साथ हमारा भाई, ये हमारे मामा और भैया, ये भी मामा है और ये मेरा भाई। तो चलिए आपसे मिलते हैं जब जानवर मिलेगा। तो गाइस हमें अपने पहले ही लोकेशन पे आ चुके हैं, ये लोकेशन बंदर का है। बंदर धूप के कारण बंदर नहीं आ रहे, देख सकते हैं बंदर आप वहाँ पे भागा। नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं पानी है। बंदर नहीं निकल रहे बंदर है, बंदर का नाम मंदरेलाल बंदर है। अभी ये बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा धूप है, आप देख ही सकते हैं अंदर छुप के बैठे हैं वो। और देखिए आप जैसे मंदरेलाल बंदर था गाइस, कृपया आप ऐसा ना करें। यहाँ पे आप इतने ये सरकार की प्रॉपर्टी पे आप गुटखा थूक देते हैं, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें, सरकार को प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए और गुटखा खा के अपनी सेहत का भी नुकसान ना करें, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो गाइस ये देख सकते हैं बंदर हमारी तरफ देख सकते हैं, देख रहे हैं कितने मासूम जानवर, कितने मासूम बंदर है। इस बंदर का नाम रीसस बंदर है, देख सकते हैं आप वहाँ पे। और यहाँ पे भी एक बंदर है, देख सकते हैं रीसस बंदर, इसका भी नाम, इस बंदर का नाम रीसस बंदर है। देख सकते हैं रंग बिरंगा तोता, रेनबो तोता, इसका नाम रेनबो तोता है, बैठा हुआ है। बंद कर, इसे देख सकते हैं गिरना यहाँ पे, साथ पानी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बड़ा गेंडा है, आपको रिक्स लेके सामने इतना सामने से दिखा रहे गाइस, तो सपोर्ट कर दो। घड़ियाल पानी में जा चुका है, देख सकते हैं। अभी हमने रश ले लिया और आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे शायद आगे जेबरा है, जेबरे से मिलते हैं। ऋषभ इधर आ, तो देख सकते हैं मेरा भाई, देख सकते हैं यहाँ पे हिरन है,
व्हाइट कलर के कितने सारे हैं, सब अभी घास चर रहे हैं देख सकते हैं आप जैसा कि। और इस तरफ जेबरा है, चलिए आप आपको जेबरा से मिलाते हैं। यार देखिए यहाँ पे जेबरा है जैसा कि, यार देख सकते हैं यहाँ पे मोर ने पंख फैलाया है, कितना सुंदर लग रहा है, कितने सारे मोर है लेकिन पंख सिर्फ इसी ने फैला के रखा। अभी तो गाइस हम लोग यहाँ पर ही है, अभी मज़ा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। अब प्लीज़ यहाँ पर आइए, देख सकते हो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे इतने सारे और एक मोर यहाँ पर कैसे आ गया पता नहीं, यहाँ पर देख लीजिए ए हिरन के यहाँ पे मोर क्या कर रहा है, मोर यहाँ पे बैठा हुआ पता नहीं हमें, लेकिन देख सकते हैं आप कितने सारे हिरन हैं। वो देखिए इसे कर्ण मृग कहते हैं। हिरन लेना बंद कर दिया, ये अपना पंख फैला के रखा था। तो गाइस ये और एक अलग प्रजाति का हिरन है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कई सारे, इसे हॉग बियर कहते हैं। ये कितना फेमस हो जाएगा तो जैसे अभी वैसे कहते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इस जानवर को सांभर कहते हैं, सांभर गाइस इडली सांभर वाला नहीं, ये दूसरे प्रकार का सांभर जीव का नाम है। कौन सी पता है? दो मुझे पता ना सुन नील का वही नील का यही है। हां देखने में तो ही सेम लगता है क्योंकि हम लोग रेवा नहीं है सांभर। तो गाइस भालू इसके अंदर है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है गर्मी के कारण, वो भी अंदर चल गया है। गाइस अभी हम मेन लोकेशन पे आ चुके हैं जो आज का मेन पॉइंट है, देख सकते हो वहाँ पे कितना खतरनाक ये शेर है, एक शेर सोया है एक शेर जागा हुआ है, इधर ही ताक रहा है, यहाँ पे दो ही शेर खिले हुए हैं, यहाँ पे व्हाइट बंगाल टाइगर है। कहाँ पे? ये व्हाइट बंगाल टाइगर मस्त है। गाइस अभी हम पानी पीने के लिए रुके हैं, ये मेरा मामा सबसे पहले पानी पी रहे हैं। तो गाइस आप सब देख सकते हैं ये बाघ है, ये तेंदुआ है, सॉरी काफी खतरनाक तेंदुआ लग रहा है, गुस्से में लग रहा है। एक ही तेंदुआ है क्या? लग तो रहा है एक ही तेंदुआ है। काफी बूढ़ा हो गया है जी, काफी बूढ़ा हो गया, चल भी नहीं पा रहा है। तो गाइस देख सकते हैं एक अंदर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, एक अंदर छुपकर बैठा है। ये कितना सुंदर लोकेशन पे आ गए हम लोग, आप देख सकते हैं कितना, ये कैसा जानवर है, अगर आपको नाम पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी चोंच काफी लंबी है जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना सारा चमगादड़ है ऊपर, बाप रे इतने सारे चमगादड़ मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। कितने सारे चमगादड़ बाबा रे बाबा,
पे आप देख सकते हैं डायनासोर की शेप की, यहाँ पे पेड़ है, घास हुआ हुआ है। ए ऋषभ वहाँ पे खड़ा है, आ जा ऋषभ आ जा, चल आगे चले। ये देखिए गाइस शुतुरमुर्ग कितना बड़े बड़े हैं, शुतुरमुर्ग अभी हमने दूसरी बार रश लिया है। अभी आगे और जानवर बचे हैं, उनसे मीट करेंगे, आपको भी मीट करवाएंगे। तो गाइस अभी हम तितली घर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तितली है ही नहीं, क्या करें, यहाँ पे एक भी तितली नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लकड़बग्घा है, काफ़ी खतरनाक होते हैं लकड़बग्घे, आगे की ओर जा रहा है। काफ़ी छटपटा रहा है। मैं पहले जमशेदपुर में कुछ लकड़बग्घे कुछ आ गए थे, जिससे उन्होंने काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद सरकार ने उन्हें पकड़ लिया है। अब ये जूम है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कछुए के पास है हम, देखिए कछुआ बहुत है। अंदर काफ़ी सारे कछुए हैं, देख सकते हैं आप। क्या खाता है कछुआ? मछली कितने सारे कछुए आप देख सकते हैं। ये कछुए के पास काफी फुर्ती है। क्लोन, ये असली कछुआ नहीं है। आप कोकोडाइल का नाम देख सकते हैं, कोकोडाइल का नाम मार्स कोकोडाइल है। घड़ियाल भी है, देख सकते हैं गाइस घड़ियाल यहाँ पे एकदम छुपा हुआ है। आपको घड़ियाल के बारे में नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, ये एकदम शांत रहते हैं, और इनके सामने खाना रहे तो ये काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन ये जल्दी अपनी तेज़ी दिखाते नहीं हैं। वैसे मगरमच्छ का जगह है, लेकिन यहाँ पे एक भी मगरमच्छ हमें नहीं दिख रहा है। भाई को गर्मी लग गई है, अंदर पानी नहीं मिल रही है, बाहर पानी मिल रहा है, और ये चलने में सक्षम नहीं है, तो अब हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये लेटा हुआ है, ऋषभ हेलो कर।